सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम एक टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, करंट इशू को डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है इस टाइम। इसको डिस्कस करने का मेरा मेन पर्पस ये है क्योंकि मैं यहाँ पे लीगल पॉइंट्स को डिस्कस करने वाली हूँ, जो भी लीगल एस्पेक्ट है इस पूरे केस में उसको देखेंगे। अब तक आपने इस केस में बहुत ज़्यादा चीज़ें सुन ली हैं, आपने अभी तक कोई लीगल एस्पेक्ट इसका नहीं सुना होगा, नहीं देखा होगा। सो आज हम इसके लीगल एस्पेक्ट्स को चेक करेंगे क्योंकि ये जो चैनल है वो एक लीगल लॉ का चैनल है, यहाँ पे लीगल के पॉइंट्स पर हम बात करते हैं। तो ये जो केस है यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो कि एक लॉ एस्पिरेंट या फिर एक लॉ एंट्रेंस एस्पिरेंट को या फिर एक लॉ स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। सो आज हम वो सारी चीज़ों को देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो अगर मैं आज की इस वीडियो का मेन पॉइंट बताऊं कि मैं आज की वीडियो में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले, तो इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहले तो हम थोड़ा केस को एक्सप्लेन करेंगे। वैसे तो केस को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत मुझे नहीं लगती क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कुछ इस केस के बारे में सुन लिया है। तो इस पॉइंट पर थोड़ा सा, क्योंकि इतने सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने के लिए मुझे थोड़ी सी तो बैकग्राउंड बनाना ही पड़ेगा ताकि जिसको नहीं पता है वो भी अच्छे से इस पॉइंट को समझ सके। तो उस चीज़ के लिए मैं इस केस को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी। देन इस केस में क्या मेन इशूज़ हैं, किस लिए केस इतना न्यूज़ में है, हम वो देखेंगे। देन हमारा जो मेन पॉइंट आता है लीगल एस्पेक्ट, उसके लीगल एस्पेक्ट को चेक करेंगे, लीगल पॉइंट्स को चेक करेंगे। आपने NDPS एक्ट सुना होगा, NCB सुन लिया, एक कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल मुझे भी मिला है, हम उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद वो चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है एक स्टूडेंट के लिए, जो कि है पॉसिबल क्वेश्चन किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम में जो कि इस टॉपिक से बन सकते हैं, वो सब देखेंगे। क्योंकि अगर हम बात करें तो क्लैट और आपके जितने भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम हैं वो आपके वन ईयर तक के जो चीज़ें हैं, वन ईयर तक के बैक में जो चीज़ें हैं वो सब, चाहे वो लीगल इशू हो चाहे वो करंट इशू हो, वो सब देखते हैं ना। तो हम उन चीज़ों को आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और बेसिकली लीगल लेक्चर है, लीगल के बारे में देखेंगे। तो लीगल पॉइंट्स केस के पढ़ते हैं। सो अगर हम केस को एक्सप्लेन करें तो चार ऐसे मेन पॉइंट्स मुझे ऐसा लगता है कि आपको पता होने चाहिए। वैसे तो आपको इस बारे में मुझसे ज़्यादा अच्छे से पता होगा क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा इस न्यूज़ को फॉलो कर रहे होंगे। तो अगर हम इस केस के मेन पॉइंट्स को देखें तो सबसे पहले जो बात स्टार्ट होती है वो 2 अक्टूबर से स्टार्ट होती है। 2nd of October इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे है हम लोगों के लिए, नॉन वायलेंस डे होता है, गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी है और लाल बहादुर शास्त्री की बर्थ एनिवर्सरी है। तो हम इतने अच्छे अच्छे लोगों के, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके बर्थ एनिवर्सरी को हम सेलिब्रेट करते हैं, नॉन वायलेंस डे को सेलिब्रेट करते हैं। उस टाइम पर उसी दिन ऐसी कुछ चीज़ें हुई जो कि एकदम ही ऑपोजिट थी, जो कि उस दिन नहीं होनी चाहिए थी, वैसी कुछ चीज़ें हुई। जैसे कि आपको एक ये केस और एक आपका लखीमपुर खीरी वाला केस, जो कि मतलब एक दिल दहलाने वाला केस है, वो ऐसा पॉइंट है कि वो होना ही नहीं चाहिए बट वो हो गया, ठीक है। तो उस चीज़ को भी हम हो सके तो आगे डिस्कस करेंगे, बट आज की वीडियो में सिर्फ इस केस को हम देख लेते हैं। सो इस केस में देखें तो पहले तो ये स्टार्ट हुआ है 2nd of October के दिन। यहाँ पर हुआ क्या कि एक कंपनी है कॉर्डेलिया क्रूज और इसके एक शिप है जो है एम्प्रेस शिप, ठीक है। ये जो शिप है वो मुंबई से गोवा जा रही थी। इस शिप में हो क्या रहा था, ये एक पार्टी हो रही थी, एक एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए इसको, मतलब ये एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था शिप के ऊपर, ठीक है। बट यहाँ पर कुछ इल्लीगल सब्सटेंस की यूज़ किया जा रहा था, कुछ ऐसी चीज़ होने वाली थी जो कि नहीं होनी चाहिए। तो इस बारे में आपकी जो NCB है, NCB वाले आगे देखेंगे वो क्या है, उसकी फुल फॉर्म क्या है, वहाँ पर कैसी चीज़ें चलती हैं, वो सब हम आगे वाली वीडियो आगे इसी वीडियो में देखेंगे। तो उन्होंने उनको इस चीज़ के बारे में पहले से पता था। तो 15 days प्रायर प्लानिंग चल रही थी इस पर, यहाँ पर रेड करने के लिए। और फाइनली इसको एक ड्रग केस के थ्रू, मतलब एक ड्रग केस का नाम दिया गया और वहाँ और इस सिचुएशन में इसको लाया गया। और फाइनल जो अरेस्ट हुए हैं अब तक तो काफ़ी सारे हो गए हैं, बट अगर हम 3rd October तक की बात करें तो अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा और 5 अदर लोग भी हैं। और उसमें आपके मेन, जिसलिए ये केस इतना ज़्यादा उछला है, वो है आर्यन खान, जो कि ऑल नोस कि ये शाहरुख खान जी के बेटे हैं। तो इस केस को इस इंसान की वजह से इतना 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 पॉपुलैरिटी मिली है। इससे पहले बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं, हाँ लास्ट ईयर भी केस हुआ था जिसमें आपने SSR सुशांत सिंह राजपूत वाले केस में भी इस चीज़ को आपने बहुत, NCB का बहुत नाम सुना, रिया चक्रवर्ती का केस हुआ, मतलब ये सब चीज़ें आपने लास्ट ईयर भी सुनी होगी, बट ये वाला एक नया इशू बनकर आया। सो अगर हम इस केस के मेन इशूज़ को देखें कि इतना क्यों न्यूज़ में है, पहला तो एक इंसान, इसकी वजह से बहुत ये केस न्यूज़ में है। उसके बाद इस मेन इशू क्या है, यहाँ पर ड्रग्स के बारे में बात हुई, एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है ड्रग्स, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर बात हुई। NCB यहाँ पर इन्वॉल्व हुई क्योंकि ऑब्वियसली बात है ड्रग्स की बात है तो NCB इन्वॉल्व होगी। NDPS एक्ट के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया, शाहरुख खान के बेटे का जो है आर्यन खान, उनका इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर चेक किया गया। और फाइनली इसको पॉलिटिकली मोटिवेटेड कहा जा रहा है, उसके बारे में मैं थोड़ी सी बात करूँगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगेन ये इतना मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बट फिर भी अब है तो बात करनी चाहिए हम लोगों को, ठीक है।
और मीडिया के जो मीडिया के इन्फ्लुएंस होते हैं हमेशा, जो इन्वॉल्वमेंट होती है हमेशा, उस चीज़ को देखेंगे। अच्छा, तो मुझे एक ये लाइन बहुत मतलब मिली, मुझे बहुत अच्छी लगी, मतलब अच्छी क्या समझने वाली चीज़ है कि मीडिया या फिर और जो लोग होते हैं वो कहते हैं यू आर गिल्टी टिल प्रूव्ड इनोसेंट, मतलब आप तब तक गिल्टी हो जब तक आप इनोसेंट प्रूव नहीं हो जाते। और जो हमारा जस्टिस है, जो हमारे जज हैं, जो हमारा कोर्ट है, जो हमारे जुडिशरी है, उसका मानना है कि यू आर इनोसेंट अनलेस प्रूव गिल्टी, मतलब आप तब तक इनोसेंट हो जब तक आप गिल्टी प्रूव नहीं हो जाते। मतलब एकदम ही ऑपोजिट चीज़ है कि कोई कहता है गिल्टी, कोई कहता है नहीं जब तक आप नहीं हो जाते, ठीक है। सो ये सारी मेन इश्यूज हैं यहाँ पर, इन इश्यूज को तो आगे हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि सबसे पहले, अच्छा कुछ और मेन चीज़ें हैं, अब मैंने आपको एक बोला था पॉलिटिकल मोटिवेटेड क्यों इस चीज़ को कहा जा रहा है, रीज़न क्या है इसको पॉलिटिकल मोटिवेटेड कहने का, वो ये कि अभी अगर हम देखें तो काफ़ी सारी हेडलाइंस बनी, कुछ हेडलाइंस मैंने यहाँ पर लिखी हैं। अब इस वाले हेडलाइन में कुछ यहाँ पर हम इसको अच्छे से देख लेते हैं। आरएन के केस में, मतलब ये जो अक्टूबर का केस हुआ था अभी रिसेंट में जो चल रहा है इस टाइम बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, उसमें क्या क्या मिला है ये देखते हैं पहले आप। 13 ग्राम कोकेन, ठीक है, 5 ग्राम MD, 21 ग्राम चरस, 22 MDMA की पिल्सेस और 1.33 लाख रुपीस, ठीक है, कैश वो मिला। और इन चीज़ों के ऊपर इतना बड़ा केस हो गया कि अभी तक आप इस बारे में सुन रहे हो। इससे पहले ही यहाँ पर जो मैंने ये वाला फर्स्ट पॉइंट लिखा है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड कहने का मतलब ये क्यों कहा जा रहा है, मीडिया का इन्फ्लुएंस में क्यों देखा जा रहा है, वो इस केस की वजह से, मतलब और भी सारे रीजंस हैं, बट अभी हम सिर्फ लीगल एस्पेक्ट्स को देख रहे हैं, तो मीडिया को भी ऐसे पॉइंट में देखेंगे कि वो ऐसा क्यों कर रही है, ठीक है। सो अगर हम इस पॉइंट में देखें तो आप यहाँ पर इस न्यूज़ को पढ़ सकते हो कि 3000 kg हीरोइन मिली है, ठीक है, अफगान से अडानी ऑपरेटेड पोर्ट पे, ठीक है। उसके बारे में मैं आपको सही बताऊँ, जब तक मैंने इस न्यूज़ को नहीं सुना है, मतलब ये ड्रग वाला जो रिसेंट में भी हम देख रहे हैं, ये वाला जब तक हमने केस नहीं देखा है, तब तक उससे पहले मैंने इस मुझे इस केस के बारे में पता ही नहीं था कि ऐसी कोई न्यूज़ आई है, ठीक है, मतलब ऐसे इस सेंस में मुझे नहीं पता था, ठीक है। बट आपको इतना ज़्यादा जब वहाँ पर इतनी क्वांटिटी में ऑलरेडी ड्रग्स मिले हैं, हीरोइन मिली है, वहाँ पर आपने इतना बड़ा मीडिया ने इशू नहीं बनाया, इस पॉइंट पर आकर आप जहाँ पर 13 ग्राम, 5 ग्राम, 21 ग्राम, 22 पिल्स, ये सब जो चीज़ें मिली जो कि ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, उस चीज़ पर आपको इतना इशू हो गया। और यहाँ पर जब आपने 3000 किलो, भाई बहुत ज़्यादा अमाउंट है ये किसी भी सब्सटेंस का जो कि इलीगल है, जो कि आप यूज़ में नहीं ले सकते हो, मतलब हमारी गवर्नमेंट ने मना कर रखा है, आपने उस चीज़ पर इतना बड़ा इशू नहीं किया कि जितना बड़ा इशू आपने यहाँ पर किया, तो ये थोड़ी सी मुझे अजीब बात लगी, ठीक है। और वैसे ही बॉलीवुड हमेशा ही टारगेट पर रहता है, विच इज़ ओके कि वहाँ पर यूजेज है तो फिर होना चाहिए, हमें इस चीज़ को ख़त्म करना है। बट आप इस चीज़ को देखो कि ऑलरेडी इतना ज़्यादा ड्रग्स मिल गया, उसके बारे में मीडिया ने कोई बात नहीं किया, आपको कुछ नहीं मिला। और इसी टाइम पर, इसी के साथ साथ 22 अक्टूबर को बहुत इंपॉर्टेंट घटना भी हुई, जो कि लखीमपुर खीरी का केस था। जो कि फार्मर्स प्रोटेस्ट वाला है, ये वाले केस को 2 अक्टूबर जैसे दिन इस ऐसा केस होना, मीन मतलब बेइज्जती कह सकते हैं हम इसको, ठीक है, गांधी जी की इंसल्ट कह सकते हैं हम लोग। उस दिन हम लोग नॉन वायलेंस डे को सेलिब्रेट करते हैं, और उस दिन हमने ऐसा काम किया, वो भी किसने किया, एक पॉलिटिकल इंसान ने किया, जो हमारे गवर्नमेंट में है, जो इंडिया के लोगों को उनको गवर्न करता है, ऐसे इंसान अगर इस तरीके का काम करेंगे तो मतलब क्या है ये, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों को समझनी चाहिए कि ऐसा क्यों कर रहा है मीडिया। हम लोग ऐसे ही नहीं, लोग ऐसे ही नहीं कहते कि मीडिया बिकी हुई है, दिस इज़ द रीज़न वाई वी ऑलवेज, वाई द पीपल ऑलवेज सेड दिस काइंड ऑफ थिंग्स, दिस इज़ द ओनली एंड मेन रीज़न। सो ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर एक और जो मैंने हेडलाइन यहाँ पर कर रखी है कि अभी तक आमिर खान को बेल नहीं मिला, बेल की प्ली जो है वो मतलब मेंटेनेबल नहीं थी, ऐसा कुछ कहा गया, तो उसको हम आगे एक स्लाइड में फटाफट चुटकी में डिस्कस कर लेंगे, तो वो देख लेंगे। अच्छा, तो लीगल सेक्शन की बात करूँ, NCB अगेन, क्योंकि मेन यही है, ठीक है, NDPS एक्ट, इसके बारे में बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली मुझे अब ऐसा लग रहा है कि पेपर में इससे क्वेश्चन बनना थोड़ा सा ज़्यादा मतलब बनना चाहिए, क्योंकि न्यूज़ में है। और एक आर्टिकल जो कि मैंने 47th आर्टिकल है, इसके बारे में बात करनी है। 47th आर्टिकल आपका DPSP का है, ठीक है, DPSP आपके पार्ट 4 में आता है,
तो 47th आर्टिकल हम आगे डिस्कस करेंगे, मतलब ये कुछ लीगल सेक्शन है, लीगल इशू है जो कि इस केस में बनते हैं, तो देखते हैं। अच्छा, तो ड्रग्स के ऊपर थोड़ी सी चीज़ देख रहे थे कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है हमारे स्टेट में, हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पर ड्रग्स का कंजम्पशन होता है, तो वो देख लेते हैं। तो अगर ड्रग्स के प्रोडक्शन के बारे में बात करें तो अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज, मतलब ईरान तो नहीं है बट ये जो है, उन लोगों में वहाँ पर इतना ड्रग्स का मतलब प्रोडक्शन होता है, सबसे मेन तो अफगानिस्तान ही है। ओपियम आपने, अफीम जिसे कहते हैं, सबसे ज़्यादा अगर कहाँ कहीं पर फार्मिंग होती है ओपियम की तो आपके अफगानिस्तान में होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रोडक्शन कहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है, और ये हमारी बाउंड्री पर है, हमारे हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में। तो इनसे अगर ये कुछ करेंगे तो हमारे कंट्री में भी इफेक्ट पड़ना है, तो वो पड़ रहा है, ठीक है। अगर कंजम्पशन की बात करें कि हमारे स्टेट में, हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा कंजम्पशन कौन सा स्टेट करता है, तो सबसे पहले तो पंजाब, ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर कहीं अडिक्ट हैं तो पंजाब में है। सॉरी, मैंने किसी का सेंटिमेंट को हर्ट कर रही हूँ तो सॉरी, बट पंजाब ऐसा स्टेट है जहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। गुजरात बहुत ज़्यादा कंजम्पशन यहाँ पर भी, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा कंजम्पशन मिलता है, ठीक है। सो अब इस केस को मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, अब हम आते हैं कुछ लीगल पॉइंट्स पे, कुछ लीगल पॉइंट्स को देख लेते हैं। लीगल पॉइंट्स जो कि मैंने स्टार्टिंग में, एनसीबी क्या है, एनसीबी के बारे में देखें तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी है, एक स्टैचुटरी बॉडी है। स्टैचुटरी बॉडी मतलब इसको किसी लॉ के अंडर में इसको एस्टेब्लिश किया गया, और वो लॉ कौन सा था, वो एक्ट कौन सा था, एनडीपीएस एक्ट 1985 का जो एक्ट है इसके अकॉर्डिंग में हमने एनसीबी को एस्टेब्लिश किया। ये काम करते मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर, जो कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट है, और इस केस को हेड कर रहे हैं हमारे समीर वांगखेड़े साहब, ठीक है, काफ़ी मतलब रेपिटेटिव है, फुल रिस्पेक्ट। उसके बाद अगर हम एनसीबी की साइड से देखें तो ये केस हमारे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल फाइट कर रहे हैं, और अगर एसआरके की साइड से देखें, आलम खान की साइड से देखें, तो हमारे सतीश मानचंदे बहुत फेमस हैं, ये बहुत ज़्यादा फेमस है, तो वो कर रहे हैं, और इनके साथ उनका मतलब उनके साथ कर रहे हैं अमित देसाई, ठीक है। सो ये दोनों साइड्स हैं यहाँ पर। अगर हम ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि कितना सामान वहाँ से मिला है, और हमने कितना ज़्यादा इसको हमने न्यूज़ में डिस्कस कर लिया है, ओके। अच्छा, एनडीपीएस एक्ट का इंपॉर्टेंस मैं यहाँ पर इसलिए इस सेक्शन में लेकर आई हूँ, क्योंकि एनडीपीएस पहले एनडीपीएस की फॉर्म देख, नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉफिक सब्सटेंस एक्ट 1985, ये जो इतना बड़ा एक्ट है इसको एनडीपीएस ही बोलना सही है। तो एनडीपीएस इस एक्ट के अकॉर्डिंग में क्या है, अगर आप किसी को अरेस्ट करना चाहते हो, अरेस्ट करने का मतलब ग्राउंड जो दिया गया है, बोला जाता है पोजेशन एंड पर्सनल यूज से रिलेटेड जो भी मैटर्स होंगे, अगर आपने पोजेशन किया है, कोई पर्सनल यूज़ किया है, तो आप पोजेशन में है, फिर कोई पर्सनल यूज़ में आप लेते हो, तो उस रिलेटेड अगर आप होता है, तो यहाँ पर आपका एनडीपीएस एक्ट के अकॉर्डिंग में आप अरेस्ट हो जाओगे। पनिशमेंट क्या, अगर जो भी आपने किया है वो प्रूव हो जाता है, तब यहाँ पर मिनिमम क्या सेंटेंसेज हैं वो देखो। अगर आप डील करते हो ड्रग्स से, मतलब आप यूज़ नहीं करते पर डील करते हो, तो 10 ईयर की रिग्रेस इंप्रिजनमेंट मिलेगी, मतलब लेवल ही अप है, ठीक है, और उसके साथ आपको 1 लाख तक का फाइन भी लगाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पर बेल नहीं मिलेगा, नो रिलीफ, कोई भी टाइप का रिलीफ नहीं मिलेगा। यहाँ पर आर्टिकल 72 इसलिए मेंशन किया जा रहा है कि पार्डनिंग पावर है, तो क्या कि जो कि हमारे प्रेसिडेंट के पास होती है, ये प्रेसिडेंट को भी जुडिशियल पावर देता है थोड़ी सी। अगर आपका जो मैटर है वो प्रूफ हो जाता है, तो आपको कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर आपका पर्सनल कंजम्पशन, अगर आप पर्सनली कंजम्प कर रहे हो, पर्सनली चीज़ों को ले रहे हो, तो आपको 6 महीने तक की सज़ा और 1 साल तक की जेल हो सकती है, मतलब इन दोनों में से कोई एक भी। तो अगर आलम खान का केस देखा जाए, तो ये वाला पॉइंट मतलब आ सकता है यहाँ पर, और इस अकॉर्डिंग में अगर वो प्रूफ होते हैं तो होता है। अब हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, आर्टिकल 47 इस बारे में बात करता है, ठीक है। 47 डायरेक्टिव ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट 4 में डिस्कस किया जाता है, और इसमें क्या है, तो इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक्स और ड्रग्स जो कि हमारे हेल्थ को मतलब ख़राब कर सकते हैं, हमारे लिए अच्छा नहीं है, उसको ख़त्म करने के लिए, उसको प्रोहिबिट करने के, उसे कंजम्पशन को प्रोहिबिट करने के लिए इस आर्टिकल में बोला गया है। और यहाँ पर यह है कि न्यूट्रिशन को उसका लेवल, मतलब राइज ऑफ द लेवल ऑफ द न्यूट्रिशन का लेवल को राइज करने की बात की गई है, पब्लिक हेल्थ को हमें इम्प्रूव करने की बात की गई है। ये सारी ड्यूटी आपके स्टेट की बनती है। सो बेसिकली आपको याद रखना है कि आर्टिकल 47 किसके बारे में बात करता है, ओके। नेक्स्ट कुछ टर्म्स हैं जैसे कि बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस, ठीक है, क्योंकि बेल नहीं मिल रही है यहाँ पर, आप ये लाइव लॉ का है बहुत मतलब ये जो आपकी मेन वेबसाइट है, यहाँ से आपको लीगल मैटर्स के बारे में बहुत नॉलेज मिल जाएगी। बट इसको देखते हैं यहाँ पर क्या है, मुंबई कोर्ट रिजेक्ट्स द बेल एप्लीकेशंस ऑफ द आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट एंड मुनमुन धमेचा
होल्डिंग द एप्लीकेशन ऑफ नॉन मेंटेनेबल, मतलब जिस कोर्ट में आप उसको मेंटेनेबल नहीं है आपको NDPS एक्ट के अकॉर्डिंग में आपको जाना पड़ेगा अगर आपको बेल लेनी है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट है। अच्छा, तो यहाँ पर एक टर्म आपको माइंड में आ सकता है, यूज भी की गई है काफ़ी बार कि बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होते हैं। सो बेलेबल ऑफेंस वो होते हैं जहाँ पर आपको आराम से बेल मिल सकती है। ये CRPC की टर्म्स हैं, बेलेबल और नॉन बेलेबल वहाँ पर डिस्कस की गई हैं। और सेक्शन 387 जो है CRPC का, वो यहाँ पर इस बारे में बात करता है। और अगर हम बेलेबल ऑफेंस देखें तो वो ऑफेंस आते हैं जो कि मतलब लेस सीरियस होते हैं, मतलब ज़्यादा सीरियस नहीं होते। यहाँ पर आपको इजीली बेल मिल जाती है। बेल कौन इशू करता है? आपके पुलिस जो होते हैं, पुलिस स्टेशन में आपको बेल मिल जाती है। और नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या है, जो कि सेक्शन 388 में थोड़े सीरियस टाइप की, मतलब सीरियस टाइप की पनिशमेंट में, सीरियस टाइप के ऑफेंस यहाँ पर ले जाते हैं। और ईजिली बेल नहीं मिलती, आपको मैजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ता है, आपको कोर्ट जाना पड़ता है, जज के पास जाना पड़ता है, तो वहाँ से आपको बेल इशू करवानी पड़ती है। तो ये दो टर्म इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। तो यहाँ पर जो ये वीडियो है, जो ये पॉइंट है, होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं थोड़े थोड़े में समराइज कर दूँ NCB और NDPS एक्ट और आपके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो NCB के बारे में आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि वो एक स्टैचुटरी अथॉरिटी कौन से एक्ट के थ्रू बनी है, NDPS एक्ट के थ्रू बनी है। NDPS एक्ट कब का है? 1985 का, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। किसके अंडर काम करते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। इसके जो इस केस केस को हेड कौन कर रहे हैं? समीर वांगखेड़े जी, ठीक है। यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट है NDPS एक्ट में। अगर आप बस ये याद रखना कि अगर आप पनिशमेंट मिलती है तो वो नॉन बेलेबल, मतलब आपको बेल नहीं मिलती, कोई रिलीफ नहीं मिलता। और जो अगर आप डील कर रहे हो तो आपको 10 ईयर या फिर 1 लाख तक का फाइन लगाया जा सकता है रिग्रेस इंप्रिजनमेंट के साथ, ओके। और आर्टिकल 47 आपको पता होना चाहिए। सो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ आया होगा सारा टॉपिक। और अगर कोई भी डाउट है प्लीज़ कमेंट बिलो, मैं ज़रूर उसको वहाँ पर आंसर करूँगी। जितने भी कमेंट आते हैं मैं बहुत ही आराम से उनको पढ़ती हूँ और उसका ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।